कल लॉकडाउन के 21 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 10 बजे देश के लोगों को संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश हित में जो भी आपने फैसला लिया इस कोरोना महामारी को देखते हुए, वो देश के लोगों ने माना है। और इंशाल्लाह कल जो भी आप देश हित में फैसला लेंगे उसको भी देश के लोग मानेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि कल अपने संबोधन में वो देश के लोगों के साथ साथ मीडिया के लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी ज़रूर जारी करें, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश के प्रशासन को, सरकार को, वो सब कुछ दिखाने की जहाँ पे सरकार की नज़र या प्रशासन की नज़र नहीं जा रही है, और देखने के बाद चैनल पे उस काम को सरकार दुरुस्त करे। लेकिन लगातार पिछले दिनों में देखने में आया कि संकट की इस घड़ी में मीडिया ने जितना ख़राब रिपोर्टिंग किया है, कुछ चैनल जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करते हुए लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। मीडिया की रिपोर्टिंग से ये हुआ कि एक सब्जी बेचने वाले ठेले वाले को उसका धर्म पूछा जा रहा है और धर्म के आधार पर उसको मारा पीटा जा रहा है। ये नफरत का माहौल देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कुछ चैनल बना रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश हित में जो भी आप फैसला ले रहे हैं उसको देश के लोग मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे, लेकिन मीडिया को भी आपको एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये निर्देशित करना चाहिए कि जो भी खबरें हैं उन खबरों में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। किसी समुदाय को टारगेट करना बेहद शर्मनाक है। इस संकट की घड़ी में देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन जो पत्रकार लगातार नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई अफवाह फैलाने वाली खबर या भ्रामक खबर या झूठी खबर कोई डालता है तो उसके ऊपर IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, ठीक उसी तरह अगर न्यूज़ चैनल कोई खबर भ्रामक या झूठी चलाता है तो उसके खिलाफ भी IT एक्ट के तहत न सिर्फ मुकदमा दर्ज होना चाहिए बल्कि उसके चैनल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, तभी इस देश का माहौल ठीक हो सकता है। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करूँगा कि आप लॉकडाउन का पालन करें। ये बेहद गंभीर बीमारी है, घर से बिल्कुल ना निकलें। कोई भी आपको काम है तो आपको हर ज़िले के अंदर सरकारी तौर पर नंबर दिए गए हैं कंट्रोल रूम के, आप वहाँ फ़ोन करके मदद मांग सकते हैं, लेकिन कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश ना करें। और यदि कोई भी कानून तोड़ता है, चाहे वो आम जनता हो, पुलिस प्रशासन के लोग हों या मीडिया के लोग हों, तो सज़ा सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको एक चश्मे से देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीब जनता के लिए तो कानून कुछ और है और उसी कानून को तोड़ने पर मीडिया के लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, जिससे एक गलत संदेश देश के लोगों में जा रहा है। एक नफरत का वातावरण जो चैनल के लोग बना रहे हैं उसको रोकना बेहद ज़रूरी है। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप कल अपने संबोधन में एक मीडिया के लिए एडवाइजरी ज़रूर जारी करें, और जो भी देश हित में आपका फैसला होगा वो हम सबको मानना होगा।